तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलरी के नए फीचर जो कि आफ्टर वन यूआई 4.0 अपडेट होने के बाद आए हैं, या फिर बोल सकते हैं वन यूआई 4.0 अपडेट होने के बाद सैमसंग गैलरी में क्या नए फीचर ऐड हुए हैं वो आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। जैसा कि मैंने बताया, उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले बताने वाला हूँ यहाँ पर जाना है आपको गैलरी में। जो सबसे पहला फीचर दिया गया है वहां पर आप डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। अपनी फोटोज क्लिक होने के बाद भी आप उसका डेट और टाइम को यहां पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी फोटो क्लिक हुई है, आपको यहां पर जाना है थ्री डॉट्स पे, यहां जाना है डिटेल पे। डिटेल पे जाने के बाद आपको यहां पर एडिट पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको डेट चेंज करने का ऑप्शन मिल गया होगा। आपको यहां पर कोई सी भी डेट, जैसे अभी 23 सितंबर की खींची हुई है, अगर मैं इसका डेट चेंज करना चाहता हूं कि मैंने ये फोटो 2022 में खींची है, तो मैं डेट भी चेंज कर सकता हूं, टाइम भी चेंज करना चाहूं तो टाइम भी चेंज कर दूंगा। तो आप देखेंगे इसका डेट यहां पर चेंज हो चुका है और ये यहां पर चेंज। अगर आप इसकी लोकेशन भी यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसकी लोकेशन ये दिख रही है, आप लोकेशन हटाना चाहते हैं तो यहां पर आप लोकेशन ऐड ऑन भी कर सकते हैं। कोई दूसरी लोकेशन आपको डालना हो तो डिलीट करने के बाद यहां पर आप उसको सेव कर देंगे तो वो वैसा सेव हो जाएगी। अब दोबारा आप देखेंगे तो आपको वही डेट बताएगा जो कि मैंने वहां पर अभी रिसेंटली सेव करी। तो ये भी लेटेस्ट फीचर दिया गया है। यहां पर एक चीज और अच्छी कर दी गई, ये तो आपने एक फोटो में करा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इकट्ठी बहुत सारी फोटोज में चेंज करना तो आप यहां पर लमसम फोटोज को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, आपको उन फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिन फोटो की डेट और टाइम और या फिर बोल सकते हैं लोकेशन को आपको चेंज करना है। वहां पर करने के बाद आपको करना है यहां थ्री डॉट्स पे क्लिक। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे यहां पर ऑप्शन मिल रहा है एडिट डेट एंड टाइम एंड एडिट लोकेशन का। जैसे कि मुझे एडिट डेट एंड टाइम करना है तो यहां पर आ गया हूं तो सभी फोटोज का यहां पर डेट चेंज हो जाएगी। कैसे कि आप देखेंगे, जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं जनवरी 2022, 7 जनवरी 2022, और टाइम तो यही रहने दो और मैंने इसको डन कर दिया। अब डन होने के बाद आपको दिखेगा यहां पर दिख रहा है अपडेट डेट डेट एंड टाइम और वो फोटो उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट हो गई होंगी डेट के हिसाब से। अब वो फोटोज यहां से चली गई हैं तो ऊपर जनवरी में आ गई होंगी। 7 तारीख मैंने लिया है, 7 तारीख जनवरी में यहां कहीं सेट हो गई होंगी। ये आप देख सकते हैं ये 7 तारीख में आ गई जनवरी में। अब मैं इसकी यहाँ पर आके डिटेल देखूंगा तो अब आपको दिख जाएगा 7 जनवरी को यहाँ पर ये सेट हो गई। अगर ऐसे ही मुझे इनकी लोकेशन को चेंज करना हो तो वापस मुझे सबको सिलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट करना है, यहाँ थ्री डॉट्स पर जाना है, यहाँ पर एडिट लोकेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, एडिट लोकेशन पर क्लिक करना है और वहां पर एडिट लोकेशन आप कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कोई फोटो का किसी को भी टाइम पता ना लगे कि आपने कब फोटो क्लिक करी है तो आप उसका डेट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके थ्रू जो सेकंड बताने वाला हूँ वो है एल्बम से रिलेटेड। यहाँ पर जब आप एल्बम में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दे दिया गया, बोल सकते हैं कमाल का नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है। यहाँ पर अगर आपको कोई फोटोज को ढूंढना हो या फिर कोई ऐसा फोल्डर ढूंढना हो जिसमें आपकी फोटोज बहुत कम है या फिर जिसमें बहुत ज्यादा फोटो है, आपको अगर ढूंढना हो उसको शॉर्टलिस्ट करना हो तो आप यहाँ पर उसको कर सकते हैं। यहाँ करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर थ्री डॉट्स पे। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है शॉर्ट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पर आपको एक नया शॉर्ट का ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम है नंबर ऑफ आइटम, आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से उसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट पे क्लिक करा और यहाँ डन कर दिया तो अब ये जो मेन कैमरे वाला फोल्डर है वो तो आपका वैसे ही रहने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे एक फोटो ऐसे करके वो शॉर्टलिस्ट हो गया है। और अगर आप चाहें तो उसको डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में सबसे ज्यादा जिसमें फोटो होंगी वो आपके टॉप पे आ जाएंगी। तो ये ऐसे वर्क करता है, बहुत ही शानदार ये वाला फीचर लगा है मुझे शॉर्ट करने का कि आप इजीली उसको शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बताने वाला हूँ थर्ड फीचर, वो भी बहुत कमाल का, वो है स्टोरी से रिलेटेड। दोस्तों पहले वन यूआई 3 में या बोल सकते हैं 3.1 में आप स्टोरी क्लिक क्रिएट हो जाती थी, अगर आप किसी स्टोरी पे क्लिक करते थे तो आपको सारी फोटोज आपकी जो भी है वहां पर ऐसी दिखती थी। बट यहाँ पर आपको एक नया फीचर जोड़ दिया गया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक वीडियो का ऑप्शन दे दिया गया, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, मैं आवाज यहां से कम कर देता हूं, यहाँ पर आपको एक वीडियो का ऑप्शन दे दिया गया। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वीडियो प्ले होगी, बकायदा उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा भी होगा, टाइटल्स भी लिखे होंगे, कुछ लिखा भी होगा और बैकग्राउंड में आपका कोई सॉन्ग भी क्लिक हो रहा होगा। तो ये बहुत शानदार कर दिया गया है ऑप्शन, आप इसको यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एडिट आपको दिख रहे हैं, साउंड जो बज रहा है साउंड भी चेंज कर सकते हैं, कुछ कस्टमाइज करना है कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और इसको सेव करना हो तो आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया। अगर कोई आपको दूसरी उसमें भी जाएंगे सभी स्टोरी में आपको ये वाला ऑप्शन मिलने वाला है जो कि पहले नहीं आता था, अब आपको ये सब स्टोरी में यहाँ पर दे दिया, सब पे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये ऑप्शन मिल जाए, उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होना चालू हो जाएगी और उसके बाद आपको चेंजेस करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर तो मुझे बहुत शानदार लगा। यहाँ पर आप देखेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे
तो और यहाँ पर स्टोरी ऑटोमेटिक क्लिक होगी, टाइटल भी क्लिक हो गए, और जो भी उसने ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सेट करके रखा होगा वो वहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये फीचर भी मुझे बहुत शानदार लगा। उसके बाद जो लास्ट फीचर बताने वाला हूँ, ये मुझे लगता है कि ये फीचर इसमें ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, हो सकता है पहले भी फीचर हो। तो आपको लास्ट फीचर बता देता हूँ, वो है यहाँ पर कोलाज को लेके। दोस्तों यहाँ पर आपको कोलाज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया गया जो कि पहले नहीं आता था। अब यहाँ पर आप कोई कोलाज करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कोलाज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सब फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ थ्री डॉट्स में जाना है। थ्री डॉट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे सबसे पहले एक नया लेआउट आपको मिल रहा होगा जिसमें आप मूवी क्रिएट कर सकते हैं, जीआईएफ बना सकते हैं या कॉलाज बना सकते हैं। आप कॉलाज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 फोटो बोल रहा है तो मैं हटा देता हूँ कुछ फोटो। तो अब जैसे यहाँ पर क्लॉज पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉलाज का एक अलग से यहाँ पर अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको दिखने मिल गए हैं। अभी बोल सकते हैं उसके लेआउट आपको नए नए चेंजेस करने को मिल रहे हैं जो कि पहले नहीं आते थे, यह मुझे लगता है। हो सकता है यह पहले भी आते हो। और जो बाकी जो मैंने फीचर बताया वो डेफिनेटली बिल्कुल नए फीचर है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे आपको लाल कलर का आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना बोले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।